जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आज 25 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल की कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवा कर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो आप अपना जन्म डिटेल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आज का सुविचार। शिक्षा मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। एक शिक्षित मनुष्य हर जगह पर सम्मान पाता है। एक शिक्षा ही है जो कि सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता भी कम शक्तिशाली नहीं है। वह साधारण इंसान को फरिश्ता बना देती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। विक्रमी संवत 2078, मास कार्तिक पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि पंचमी वार सोमवार, नक्षत्र मृगशिरा, योग परिक राहुकाल 7:52 AM से 9:17 AM तक। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त 11:42 AM से 12:27 PM तक है। दिशाशूल पूर्व, यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दर्पण देखकर या पुष्प खाकर घर से बाहर जाएं लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का राशिफल जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का नाम कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपके अनिर्णय की स्थिति से बिना बात की परेशानी पैदा हो सकती है। परिवार से जुड़े और रियल स्टेट से जुड़े हुए मुद्दों को आपको अब गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपको इनसे संबंधित कोई पत्र प्राप्त होगा। पुरानी अधूरी अनसुलझी बातें अब आपको परेशान करेंगी और आप इन्हें सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप आज पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ऑफिस और घर दोनों ही जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत प्रयास असंभव सी उलझनों में फंस कर रह जाएंगे, जिसका आपको कोई कारण भी समझ नहीं आएगा। टीम के रूप में काम करने से ये समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। टीम प्रयास और सहयोग आज आपके लिए किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय, दूध मिले जल से स्नान करने से हेल्थ अच्छी रहेगी। वृषभ राशि। आप आज आत्मविश्वास से भरे हैं और यह बात आपकी भाव भगिमा और नजरिए से साफ छलक रही है। आज हर कहीं आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और अपनी छाप छोड़ेंगे। महत्वपूर्ण बिजनेस बैठकों में आपके मुताबिक निर्णय होंगे। अगर स्थितियां आपके पक्ष में नहीं भी दिख रही, तब भी आप उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे और अपनी बात मनमाने में कामयाब रहेंगे। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय, किन्नरों को पैसे देने व उनकी सेवा करने से लव लाइफ अच्छी रहेगी। मिथुन राशि। एक रास्ता आपको अच्छी ना लगती, इससे आप बोर अनुभव करते हैं। आज आप काफ़ी खुश और फ्लर्ट वाले मूड में रहेंगे। अपनी दिनचर्या बदलें, इसमें फिटनेस को जगह दें। किसी मनोरंजक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। आपके नए विचार से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। ऑफिस में नई पहचान बनेगी। कुल मिलाकर दिन हल्का फुल्का गुजरेगा, काम कम रहेगा। आप सकारात्मकता के स्रोत बने रहेंगे। शुभ अंक 6, शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी। उपाय, पूरे दिन टीवी देखते रहना बोरियत भरा हो सकता है। अपने कुकिंग के शौक को पूरा करने के लिए बेसन का हलवा बनाएं, खाएं व खिलाएं। कर्क राशि। आपकी सोच आज अद्भुत रूप से साफ और स्पष्ट है
और आज आप अपने कार्यों के आने वाले समय में लाभ का बिल्कुल ठीक अंदाजा लगा पाएंगे। इसीलिए आज का दिन आपके रास्ते में आने वाले अवसरों और निवेश का मूल्यांकन करने के लिए, सही निर्णय पर पहुंचने के लिए बिल्कुल ठीक है। आप आज अपने आसपास के लोगों में से भी अपने शुभ चिंतकों को पहचान पाएंगे। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल और मैरून। उपाय, घर में लोबान की धूप जलाना पारिवारिक सुख के लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि, खुशियां मनाने का समय है। आपके किसी करीबी की शादी है, इस जोड़े को आपसे बहुत शुभकामनाएं मिलेंगी। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उससे शादी के बारे में सोच सकते हैं। जो पहले से शादीशुदा हैं उनके लिए पार्टी में मजे करने का समय है। आज स्थिति आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकती है, या तो आपको दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधी एक से अधिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये सब जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगा। आपको बस किसी ऐसे विशेषज्ञ से सलाह लेनी है जो इस मामले में काफी कुशल हो। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय, अच्युतम केशवम विष्णु हरि सत्य जनार्दनम हंसम नारायणम चैव मे तन्न माष्टकम पठेत। विष्णु जी के इन 8 नामों का जाप करने से आर्थिक उन्नति होगी। कन्या राशि, अगर आप आज रसोई घर में बनने वाले खाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज आपको कोई विशेष पकवान खाने को मिल सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और साफ सफाई बनाए रखें। आपके मित्र को हुई गलतफहमी आज दूर हो सकती है। अप्रत्याशित स्रोतों के आय होने की भी संभावना है। शुभ अंक 6, शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी। उपाय, हरी मूंग का खाने में प्रयोग करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तुला राशि, आलस के कारण अपने दिन को बिगड़ने ना दें। अपनी प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका दिन आराम से अच्छा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने निजी जीवन में भी व्यस्तता को बहल करने की आवश्यकता है। विकर्षित करने वाली चीजों पर ध्यान न दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय, किसी भी लड़की का दिल ना दुखाएं, वह अपनी गर्लफ्रेंड का सम्मान करना लव लाइफ के लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि, यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है। आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। आपको अपना सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा बढ़ेगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय, हरे रंग के कपड़े पहने, आर्थिक उन्नति होगी। धनु राशि, काफी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मजेदार भी नहीं हो रहा। अपनी नीरस जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधि शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं या कहीं भी बाहर घूम आए। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफेद। उपाय, अच्छे स्वास्थ्य के लिए छिलके सहित बादाम, साबुत मूंगफली, चने की दाल, घी, पीला कपड़ा किसी देव स्थान में देने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। मकर राशि, अपनी आंखें खुली रखें, आज आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी से हो सकती है। प्रेम पाने की संभावना आज प्रबल है, हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। आज आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए घटनाओं से भरा रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफेद। उपाय, आटे की पेड़ी में गुड़ व चीनी मिलाकर गाय को खिलाना आपकी शारीरिक थकान को छू मंतर कर सकता है। कुंभ राशि, आज आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं। प्यार से बातचीत करें और नर्म बने रहें। अगर आप अभी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे तो अभी इसे छोड़ दें। अगर मूड हल्का करना चाहते हैं तो शाम को किसी समारोह में भाग लें। आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सहायता मिलेगी। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी। उपाय,
समृद्धिशील वह सुखी भरा जीवन भला किसे अच्छा नहीं लगता। इसे प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी की आराधना करें। मीन राशि, आप पिछले कुछ समय से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज आप पर सबका ध्यान आएगा। लाइमलाइट आप पर रहेगी और आप आसानी से इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को साबित कर पाएंगे। यह किसी नए दोस्त के मिलने, पुराने के सामने आने या कार्यस्थल की किसी स्थिति से संबंधित भी हो सकता है। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, अपने इष्ट देव को पूजा में लाल सिंदूर अर्पित करने से हेल्थ अच्छी रहेगी। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।